यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। 13 अप्रैल का खासतौर पर उत्तरी भारत में बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जाता है, क्योंकि इस दिन बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं बैसाखी का त्यौहार और कहां कहां इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, साथ ही बैसाखी के त्यौहार का क्या महत्व है, देखेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। बैसाखी बैसाख से बना है। बैसाखी का त्यौहार पंजाब हरियाणा समेत और भी कई स्थानों पर व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। बैसाखी को पंजाब और हरियाणा में किसान फसल काटने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसीलिए बैसाखी पंजाब और हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में सबसे बड़े त्यौहार के तौर पर मनाई जाती है। बैसाखी रबी फसल के पकने की खुशी में मनाई जाती है। वैसे तो हर साल बैसाखी 13 अप्रैल को मनाई जाती है, लेकिन इस साल बैसाखी 14 अप्रैल यानी शनिवार को मनाई जाएगी। बैसाख अप्रैल महीने में रबी फसल कटकर घर आती है। इस फसल को बेचकर किसान धन कमाते हैं, इसलिए भी बैसाखी का ये पर्व हर्ष उल्लास का पर्व माना जाता है। वैसे तो हर साल बैसाखी के दिन पंजाब में कई मेले लगते हैं, लेकिन जब बैसाखी में कुंभ का मेला भी हो तो इस दिन स्नान करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। बैसाखी के दिन ही सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी के दिन ही आनंदपुर साहिब के गुरुद्वारे में 5 प्यारों से बैसाखी पर्व पर ही बलिदान के लिए आह्वान किया था। सिख धर्म में बैसाखी को बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। पंजाब ही नहीं, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बैसाखी की धूम रहती है। इसके साथ ही जहां जहां सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं, वहां बैसाखी जरूर मनाई जाती है। इस दिन तीर्थों में स्नान का महत्व भी एक खास अहमियत रखता है। खबरें अभी तक के लिए विनीत शर्मा की रिपोर्ट।